मिसिंग पर्संस का जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ तो कब से हो रही थी, अब पंजाब पर हुआ है तो आपको जो है यकदम जो है आप जाग उठे हैं और आपको इस चीज़ का एहसास हो गया। हमारे तो घर घर में मिसिंग पर्सन है, इसीलिए बलोचिस्तान जो है इंटरबुलेंस है। इस वक्त सारा पाकिस्तान उस टर्बुलेंस में आ गया है, जो उस बेचैनी की जद में आ गया है, जहाँ लोगों को इसी तरह से उठाया जा रहा है, जिसका किसी एक पार्टी के साथ मुंसलिक हो या कल को किसी और पार्टी के साथ मुंसलिक हो, ये खेत तमाशा बंद होना चाहिए, क्योंकि आईन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैन अल-अक़वामी कवानीन जिसके हम सिग्नेटरी हैं कन्वेंशन, उसमें भी कोई इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि किसी शख्स की आप जो है उसको उठा कर उसको गायब कर दें, अगवा कर लें, और उसके बाद जो है या तो उसकी लाश बरामद हो या फिर वो ऐसा दूल्हा लंगड़ा है जिस तरह इमरान रियाज है, मफलूज होकर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर सामने आए, जो बोल भी ना सके, या फिर इस तरह हो कि वो जो है कभी तो कहे चिल्ला काट रहा था, चिल्ला बड़ा सख्त था, और कभी कहे मैं सुकून लेने के लिए चला गया था, और कभी कहे मेरा ज़मीर जाग उठा था। बस कर दो, पाकिस्तान के सारे 25 करोड़ अवाम जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये एक दफ़ा ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा बंद होना चाहिए। लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़ करना ही रियासत का काम है, लोगों की आज़ादी है। गुफ्तार पर कदगन लगाना जो है आइन से मुतसादिम है। कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसे आज़ादी है गुफ्तार नहीं होगी, आज़ादी उसको एसोसिएशन की नहीं होगी, सियासी जमातों की नहीं होगी, वोट देने का हक नहीं होगा, फिर रियासत की बजाय डिक्टेटरशिप कर दें। ये एक पार्टी कह रही है आज पीपल्स पार्टी कि ये पता नहीं क्या है, ये मार्शल लॉ है कि मार्शल लॉ की तरह का है, या कौन सी ये नया डिस्पेंसेशन है जो इस वक्त मुल्क उसमें उसके ताबे जो है गवर्न किया जा रहा है। तो इस मुल्क को इस वक्त जो है सरजमीन बेआईन बनाया जा रहा है और तकरीबन बनाया जा चुका है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट से ये नालिश कर रहे हैं। और फिर ये कमीशन जो 11 साल से बनाई हुई है, अरबों रुपया टैक्स पेयर का इस पर लगा है, एक पूरा सेक्रेटेरिएट बना हुआ है जिसमें एक पूरी जो है एक ब्रिगेड मुलाजमत की बैठी हुई है, एजेंसीज की भी बैठी हुई है। ज़रा बता दो दें कितने लोग बरामद किए हैं, ये अभी आपके सामने माए बहने बाप बूढ़े बेटे ये जो है अभी यहाँ खड़े होकर हमसे विनती कर रहे थे, रो रो के सदा कर रहे थे कि हमारे प्यारों को जो है कम अज़ कम लाश ही दे दें, या बता दो दें जिंदा है या मर गया है। तो इस कश्मकश के आलम में, इस कश्मकशी के आलम में, इस स्मेल के आलम में, इस खौफ के आलम में, इस कौम को निकालने के लिए ये चौधरी इंतजाज आसन का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कारनामा है। मैं तो वकील की हैसियत से आपके सामने इंशाल्लाह इसको जो आर्ग्यू करूँगा, लेकिन ये लाना ही एक बहुत पाकिस्तान के लिए खिदमत का बायस है, और पाकिस्तान के आवाम को जो है उनके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। और कितने लोगों के हवाले से इतला है कि उनके साथ भी ऐसा होने वाला है, और कितने लोगों के हवाले से इतला है? अभी जो मैंने पूछा था यहाँ KPK के हमारे दोस्त आए हुए थे, KPK से अभी सैकड़ों हज़ारों गायब हैं अभी तक, और इसी तरह बलूचिस्तान से सैकड़ों नहीं हज़ारों गायब हैं इसी तरह, और बाकी कितनों को उठाया जा सकता है आप भी जानते हैं कि जिसका लेबल या जिसका झंडा या जिसके जो है बैज लगा होगा या जिसके घर पर कोई एक खास मखसूस जमात का नाम लिखा हुआ होगा वो सारे उठाए जाएंगे। और ये काम जो है बदकिस्मती से पार्टी बनाना, पार्टी को जो है दफन करना, कायद को जो है बनाना, ऊपर से जो है बादशाह सलामत को लाना, और बादशाह सलामत को उसके बाद जो है खुद उसने कहा अपनी एड्रेस में कहा जो है वो जो वहाँ के मीनार पाकिस्तान पर कि ये कौन है जो 2-3 साल के बाद, हर 2-3 साल के बाद जो है हमें आवाम से जो है जुदा कर देते हैं, ये कौन है, ये क्या खेल तमाशा हो रहा है, वो खुद भी कह चुके हैं ये बात, अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया जिस तरह चौधरी साहब कहते हैं किसी का नाम नहीं लिया जा सकता था। ये खौफ है, इस खौफ के तहत जो है कभी भी न रियासतें तरक्की करती हैं न ममलिकत जो है इस तरह से फलते फूलते हैं। पाकिस्तान जब से बना है बलूचिस्तान के हज़ारों लाखों लोग गायब हुए थे, आज क्यों आपको याद आया है? आप लोगों की माशाल्लाह इतनी उम्रें हो गई हैं कि अब आपको ख्याल आया है कि यार इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, या पंजाब में आग लगी है तो फिर आप जो है वो इस पर इकदाम उठाने की कोशिश? यही तो मैंने कहा है कि बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ तो सदियों से हो रहा है, आप पर अब बीती है तो आपको अब जो है पता होश आया है कि क्या हो रहा है और किस तरह से इंसानियत की तजलील की जा रही है और किस तरह से उनके प्यारे जो है परेशान होते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने जब हमारी हुकूमत थी हमने जो है बलोचों से माफ़ी भी मांगी थी, माफ़ी मांगी थी बाकायदा,
صدر نے, اور ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا ایک پوری پالیسی بھی دی تھی. میں اٹارنی جنرل تھا, میں نے خود جو ہے اس وقت برطانیہ کے جو ہے اٹارنی جنرل وہ عورت فیمیل تھی, اس کو میں نے خود فون کیا تھا کہ ہم ان کے مرہم زخموں پر جو ہے مرہم رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے فلاں فلاں جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, جو پکڑوائے گئے ہیں, مشرف نے پکڑوائے ہیں, وہ ہماری نظر میں وہ دار وطن نہیں ہیں, ان کو مخلصی دی جائے تاکہ ہمارا جو ہے بلوچوں کے ساتھ یہ ان کے ان کو باقاعدہ عزت اور بقار کے ساتھ ان کا ریاست میں ہم محسوس کریں. تو یہ میں نے خود لکھا تھا, لیکن اب بدقسمتی اور میں نے چھڑوا لیا تھا انہیں, یہ بزن اور یہ بکٹی صاحب کے جو گرینڈ سن تھے, تو یہ اور نواب خیر بخش مری صاحب کے, تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے پنجاب کیوں اس پر برہم نہیں ہوتا ہے, کہ پی کے اور بلوچستان اور سندھ کیوں نہیں اس پر آواز اٹھاتے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کل جو ہم نے پرسوں جو کیس جیتا ہے ملٹری کورٹ والا, یہ ان ساری سیاسی جماعتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. آج پی ٹی آئی کے لوگ اندر ہوئے, کل پی ایم ایل این کے ہوں گے, پرسوں جو ہے پی 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 کے ہوں گے, اگر یہ روایت رکھی جاتی تو پھر ملٹری کورٹ میں ان ساروں کا ہی ٹرائل ایک ایک کر کے ہو رہا ہوتا. حسن صاحب کبھی کبھی کل پی 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 کے ہوں گے پیپلز پارٹی غردار ہے, کبھی نون لیگ غردار ہے, کبھی بھٹو غردار ہے, کبھی نواز غردار ہے, کبھی عمران غردار ہے, آخر اصل غردار کون ہے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ خدا را کسی کو غردار غردار کہنا بند کرو. یہ جب سے پاکستان بنا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں اسلام خطرے میں ہے, کفر کے فتوے لگتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ پاکستان کا دشمن ہے تو پاکستان کے جو ہے دشمن کی آڑ میں آپ پکڑ کے اٹھاتے ہو. اب ایک نیا ریت کی کہ یہ جی اسلام یہ جو ہے گستاخ رسول ہے, اور وہ کہا گیا کہ رشدی کا وکیل اس نے رکھا ہے, اور وہ ایک میتھڈ ان میڈنس بنایا گیا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے. تو آج بھی میں نے یہی نالش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کی جان کو جو ہے آپ محفوظ کیجیے, جو بھی پاپولر قائد آتا ہے 1951 سے لے لیں, 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی کو شہید کیا گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, رانی شہید بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا, کیا اب یہی ہم کرنا جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے آج کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہماری جو ہے 16 اکتوبر کو میں نے بحث کی, جو آپ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, محفوظ کیا ہوا ہے اس میں سائفر کیس میں, جس میں ضمانت کی درخواست بھی ہے اور جس میں جو ہے کوشمنٹ کی بھی ہے, وہ تو آج تک جو ہے وہ محفوظ ہوا ہوا ہے. اور ایک کوئی اور آتا ہے ادھر سے لندن سے آتے ہیں بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں, تو اس کو تو بغیر حاضری کے جو ہے ان کا نیب کا وکیل کھڑا ہو کر بنا بلائے کھڑا ہو کر جو ہے آپ اس کو ریلیف دے دیتے ہیں. اور اسی طرح پنجاب حکومت کیئر ٹیکر حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 401 ضابطہ فوجداری میں اس کو ضمانت دے رہی ہے, اور جبکہ پہلی جو الیکٹڈ حکومت تھی اس نے آئیڈینٹیکل درخواست خارج کی تھی. تو یہ کیا نئی جور اسٹوڈنٹ بن رہی ہے, یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کوئی اور سلیکٹڈ آ رہا ہے آپ کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں آئین پر عملداری ہی ہمارا جو ہے بنیاد ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں آئین پر عمل کریں, اور آج کی یہ جو آپ کے سامنے پٹیشن ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پذیرائی. ایک منٹ کوئی سوال, اچھا